नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। हम इसका एक हिस्सा पूरा कर चुके हैं और अब हम उसके दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुमिरण को अंग। कबीर के पदों का यह भाग सुमिरण को अंग शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। सुमिरण यानी स्मरण, स्मरण शब्द का ही यह अपभ्रंश है। इन पदों में कबीर दास जी ने अपने निर्गुण ब्रह्म का स्मरण किया है। उन्होंने यहाँ पर राम कहकर भी ब्रह्म को ही संबोधित किया है, पर यह याद रखना बहुत आवश्यक होगा कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं। वे निराकार ब्रह्म को ही राम कहकर संबोधित करते हैं। उनके पदों का जो दूसरा खंड है सुमिरन को अंग, इन दिनों उसके 11वें पद से लेकर 20वें पद तक की व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां पद है, कबीर सूता क्या करे जागिना जपाए मुरार, एक दिना भी सोमड़ा लंबे पांव पसारी। इसके शब्दार्थ देखिए, सूता यानि सोना, सोमड़ा यानि भी सोना, सोना यानि नींद लेना। संदर्भ याद दिला देता हूँ कि हम इसको इस तरह लिखेंगे, प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। प्रसंग में हम बताएंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने ईश्वर स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। और अब शुरू करते हैं व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि आप सोकर क्या कर रहे हो, संसार में आकर नींद में खोए हुए हो, जागो और परमात्मा का स्मरण करो। एक दिन तो पैर पसाकर सदा सदा के लिए सो ही जाना है। तात्पर्य यह है कि जो लोग संसार में आकर माया मोह में खो जाते हैं, उनकी दशा उस व्यक्ति की तरह होती है जो नींद में गाफिल है। उसे अपना होश नहीं है, संसार के बारे में भी उसका होशो हवास लुप्त हो चुका है। कबीर उसको जगाना चाहते हैं। जागना मतलब तुम माया मोह सांसारिक जंजाल से बाहर निकलो और ईश्वर का स्मरण करो। 10वां पद में जो भाव था लगभग वही भाव 11वें में। पद सौंदर्य देखिए, इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद 12वां,
कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाका संग तें बिछुड़िया, ताही के संग लाग। शब्दार्थ देखिए, बिछुड़िया यानी बिछुड़ जाना, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान रूपी नींद में क्यों खोया हुआ है, क्यों ज्ञानी होकर इस संसार को नहीं देखता, अर्थात ज्ञान मार्ग के माध्यम से संसार के निस्सारता को समझो और परमात्मा के प्रति अपने आप को उन्मुख करो। वे कहते हैं कि तू परमात्मा से विलग होकर इस संसार में आ पड़ा है, इसलिए तेरा अब यही परम कर्तव्य है कि तू ऐसे उपाय कर जिससे परमात्मा के साथ तेरा मिलन हो सके। पदलालित्य, इसमें अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, गाया जा सकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष इसमें अज्ञान रूपी निद्रा से जागने का संदेश दिया गया है। अब पद 13, कबीर सूता क्या करे, उठिना रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। गोर यानी मृत्यु, संद प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या करते हैं, कबीर दास जी संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सोए हुए क्या कर रहे हो, जाग कर इस संसार के माया मोह से उत्पन्न होने वाले दुखों से छुटकारा पाने का उपाय क्यों नहीं करते। जिस मनुष्य को अंततः मरना ही है, संसार की मरणशीलता में ही जिसका निवास हो, वह भला सुख की नींद कैसे ले सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की अमरता में सम्मिलित होने का उपाय मनुष्य को करना चाहिए। पद सौष्ठव, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, क्या करे का वर्ण बार बार आया है, दो बार आया है ना, और दूसरा दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष इस पद में मरणशील संसार में सुख असंभव है, यह बात कही गई है। और अब आरंभ करते हैं पद 14, कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंदम के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाई। शब्दार्थ जम, जम यानी मृत्यु, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीर दास जी का कहना है कि हे मनुष्य, तू अज्ञान की निद्रा में क्यों खोया हुआ है, तुझे तो परमात्मा के गुणों का गान करना चाहिए ताकि तेरा संसार से उद्धार हो सके। तेरे सिर पर तो मृत्यु रूपी साहूकार खड़ा हुआ है, यदि तू सोते रहने में ही सारी आयु गंवा देगा तो जीवन का मूल्य फिर किस तरह चुकाएगा। अपने लिए यहाँ से बचाकर तू अपने साथ क्या ले जाएगा, इसलिए उठ और परमात्मा का स्मरण कर। पद सौंदर्य, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा है। पद की विशेषता क्या है, संपूर्ण आयु अज्ञान में गवाने की अपेक्षा परमात्मा के सत्य को
जान लेना ही उत्तम होता है। अब जो है पद 15वां कर रहे हैं। कबीर सूता क्या करे सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिसिया सुनत काल की गाज। शब्दार्थ है अकाज यानी कर्महीनता, काम न करना, कर्म से मुख मोड़ लेना। आसन यानि आसन, सिंहासन। काल यानि समय या मृत्यु। गाज यानि बिजली, गर्जना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है? सोते रहने से तो अकर्मण्यता ही आती है। तेरे पास जीवन की घड़ियां कम ही हैं। तू परमात्मा के प्रति अपनी शक्ति पैदा कर। काल रूपी बिजली के कारण तो ब्रह्मा का आसन तक डोलने लगता है। फिर तू तो एक तुच्छ मनुष्य ही ठहरा, तेरी क्या बिसात। इसलिए यही उचित है कि ईश्वर के स्मरण में रमो। पद सुषमा अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, गेयता है, माधुर्य गुण है, सांत्रस है। विशेष इस पद में काल के आगे सब कुछ तुच्छ होता है, वह गतिशील है, यह बताया गया है। अब शुरू करते हैं पद 16वां। कैसो कह कह कुकिए ना साइये असरार, रात दिवस के कुकणे मत कबहु लगे पुकार। शब्दार्थ देखते हैं। कुकिए यानि करुण पुकार करना, असरार यानि कभी भी। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीरदास कहते हैं, केशव की भक्ति करते हुए सदैव अपनी करुण पुकार परमात्मा तक पहुंचाते रहना चाहिए। एक पल के लिए भी इससे विलग होने की आवश्यकता नहीं है। सदा अपनी पुकार करते रहने से कभी न कभी वह परमात्मा तक अवश्य ही पहुंच जाएगी। पद सुंदर है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, दोहा छंद, गीतात्मकता, माधुर्य गुण, शांत रस, सदुक्कड़ी भाषा। विशेष परमात्मा की भक्ति से क्षण भर को भी अलग नहीं होना चाहिए, ये इस पद का केंद्रीय भाव है। शुरू करते हैं पद 17वां। जिहें घट प्रीत न प्रेम रस, उन रसना नहीं राम, ते नर संसार में उपज सए बेकाम। शब्दार्थ है, घट यानि देह, रसना यानि जीभ, जिह्वा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेंगे, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य की देह में ना तो प्रेम हो और ना ही प्रेम का आनंद अनुभव कर सकने की उसमें क्षमता हो, उसकी जीभ पर परमात्मा का नाम भी ना हो, तो ऐसे लोगों का इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है, व्यर्थ है। पदलालित, दोहा छंद है, गेयता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा है। और विशेष मनुष्य में प्रेम की अनिवार्यता होना चाहिए। और अब पद क्रमांक 18वां।
कबीर प्रेम ना चसिया, चसिना लीना चाओ, सुने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। शब्दार्थ है चसिया यानी चखना, चाव यानी आनंद। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुमने प्रेम का स्वाद नहीं चखा और चखा परंतु उसका आनंद नहीं पाया तो तुम्हारी दशा उस मेहमान के जैसी ही है जो संसार रूपी ऐसे घर में आता है जो सूना पड़ा हो, जहाँ तुम्हारी आव भगत सत्कार आदि करने वाला कोई ना हो। ऐसे में तुम उस घर में छूंछे ही आओगे और छूंछे ही लौट जाओगे, खाली हाथ आओगे, खाली हाथ चले जाओगे, बिना स्वाद सुख उठाए ही लौट जाओगे। पद सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई उदाहरण देकर बात को समझाया जाए। दोहा छंद है, गेयता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद की विशेषता है संसार में आकर प्रेम का आस्वाद पाना आवश्यक है। अब पद 19वां, पहली बुरी कमाई करी बांधी बिस्की पोट, कोटि करम फिल पलक में जब आया हरि की वोट। पोट याने पोटली, कोटि याने करोड़ों। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने अपने पूर्व जन्म में ही बहुत सारे पाप कर्मों को करके विष की एक बड़ी सी पोटली अपने सिर पर बांध रखी है, इसीलिए तुझे फिर से जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ा। परंतु परमात्मा की शरण में चले जाने पर करोड़ों पाप कर्मों का पल भर में विनाश हो जाता है, इसलिए यही उत्तम है कि तुम परमात्मा की शरण में चले जाओ। पद सौष्ठव अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक यह है कि इसमें बुरे कर्मों की पोटली बांधने का रूपक प्रस्तुत किया गया है। दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य और शांतरस है, सदु कड़ी भाषा है। पद की विशेषता है कि परमात्मा की शरण ही पाप कर्मों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। और अब हम पद 20वां करेंगे, कोटि क्रम पहले पलक में जे रंचक आवय लाऊं, अनेक जुग जे पुण्य करें नहीं राम बिन ठाऊं। शब्दार्थ है क्रम यानि कर्म, पहले यानि नष्ट होना, रंचक यानि जरा सा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी ने करोड़ों प्रकार के भी पाप कर्म किए हों तो परमात्मा का थोड़ा सा भी स्मरण करने से वे पलभर में नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि वह युगों युगों तक पुण्य कर्म ही करता रहा हो परंतु परमात्मा के साथ उसने अपने संबंध नहीं बनाए हो तो भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। तात्पर्य है कि परमात्मा का स्मरण
अनवरत रूप से जीवन की अनिवार्यता है। पद सुषमा अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुकड़ी भाषा है। पद की विशेषता है कि परमात्मा का स्मरण किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता।